किसी के पास पैसा ही नहीं है, वो सैलरीज कैसे देगा, कम लेबर से हम काम ले रहे हैं, टोटल स्टाफ को कम्युलेट करा है। COVID-19 पैंडेमिक हैज ड्रास्टिकली इम्पैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी and the MSME sector has been adversely affected by the virus. According to the annual report of the Department of MSMEs, there are 6.34 crore MSMEs in the country. Around 51% of these are based in rural India and 49% of them are in urban India. Due to the COVID-19 induced lockdown, the MSMEs are set to face an acute cash crunch as there is a sharp fall in the business. With low or zero manpower, MSMEs are facing operational challenges as well. We spoke to Tavish Gupta, MD of Design Space, to know about the problems faced by him during the lockdown. What were the hiccups? क्या क्या obstacle आई आपके, मतलब ये पूरे जो amid the lockdown? देखो इसकी lockdown की जो हमारी problems आई हैं total near about जैसे कि labour का, labour हमारे पास around 30 to 35 people were working. मार्केटिंग वाले लड़के सारे ये जो थे, तो उसकी हमारी लेबर स्ट्रेंथ आधी चली गई। ठीक है, एक जो फ्लो में बिजनेस होता है फैक्ट्री का, रूटीन में मटेरियल लाना जाना एक काफ़ी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो एक टाइम के लिए शटडाउन हो गए। लोगों का हमने जो काम कंप्लीट किया, पैसा सारा मूवमेंट सारा, लड़कों को तो हमें सैलरी देनी पड़ी, रेंट्स हैं, बिजली के इलेक्ट्रिकल बिल्स हैं गवर्नमेंट के, हर मंथ का हमारा यहाँ कनेक्शन है 100 किलोवाट का, उसका मिनिमम बिल आ रहा है, बेसिक एक्सपेंडिचर्स तो है ही है सारे, वो तो लॉस में, इनकम जीरो। अभी ये एमएसएमई के लिए जो रिलीफ पैकेज निकाला था फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके बारे में आप क्या कहना है रिगार्डिंग द बैंक लोन्स वगैरह? ठीक है, गवर्नमेंट ने एक फंडिंग दी है जिसकी करंट लोन्स हैं उस पर 20% दिया है, उसकी गारंटी गवर्नमेंट ले रही है, जो गवर्नमेंट इसमें पैसा डाल रही है जिसका मान लो लोन है उसको टॉप अप दे रही है, कुछ कर रही है कि रॉ मटेरियल की बैकहेंड में पेमेंट्स करनी है, आगे से आ नहीं रही, पीछे से उसको माल नहीं मिलेगा, एक बार तो उसको देना पड़ेगा ना। बट जब मार्केट में पैसा ही नहीं है तो फिर व्हाट एग्जैक्टली बैंक लोन से क्या बेनिफिट होगा कि अगर डिमांड ही ना हो? देखो उससे बेनिफिट क्या है कि कुछ जो फैक्ट्री एकदम स्टॉक स्टिल हो जाती है तो उसके लिए जो फंड्स चाहिए, फंड्स का काम तो पैसा से चलेगा, रॉ मटेरियल को तो उसको पैसा देना पड़ेगा, वेंडर की जो पेमेंट्स हैं, आगे जो क्लाइंट की पेमेंट है उससे थोड़ा कैश फ्लो चल जाएगा, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रही थी तो वो फैक्ट्रीज उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। गुड़गांव डेली NCR में एक डिमांड का फैक्टर है, इट विल टेक टाइम 3 to 4 months, क्योंकि गुड़गांव में हम इसको पॉजिटिविटी ये देखते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्री है यहाँ पे, जो गुड़गांव डेली NCR में लोगों का आज जितना भी घर है, दे हैव अ लोन एलिमेंट, कोई रेंट पे रह रहा है, दे हैव टू डू दी वर्क, जो हम अपनी इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी देखते हैं कि जिन्होंने काम कराना है, आपने फ्लैट लिया हुआ है तो आप काम कराएंगे क्योंकि उस पर मेंटेनेंस है, या यू वुड वर्क करा के रेंट पे देंगे, कुछ ना कुछ तो उसको करेंगे ना। तो अभी इस सिचुएशन से रिवाइव करने के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट वन ईयर अगर लगाई है? कि कॉस्ट कटिंग हमने डाली है इसमें काफी, जो जो चीजें हैं हमने करी हैं, जो हमने पेमेंट्स अपना आया मार्केट फ्लो में रखा है, देखो लॉस तो लॉस ही है, आज यहाँ पे सारा रॉ मटेरियल 50% डेली से आता है, तो सारा इंटरकनेक्टेड है, दिल्ली NCR इज इंटरकनेक्टेड, पीपल आर स्टेइंग इन दिल्ली, दे हैव अपार्टमेंट्स, हर चीज इंटरकनेक्टेड है, तो आई थिंक मतलब 3 to 4 महीने में इसको लगेगा रिवाइव करते। वी आल्सो स्पोक टू पी घोष, MD ऑफ NPEC कंसल्टेंसी लिमिटेड, टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ही फेस्ड ड्यू टू द लॉकडाउन। My first question would be what are the issues that you're facing in terms of liquidity crunches or for your payments such as rent, interest or salaries, जो आपके यहाँ पे employees हैं उनको देना या rent इस जगह का, ये सब? So look, looking to the services we provide, we are basically consulting engineering firm. We appreciate the steps that the government of India has taken over a period of last 4 years for the MSME sector. We are less than 5 crores turnover size, we are just about to grow with our own capacities, we have built up. We are contributing to the national constructions with respect to design, engineering, supervision on behalf of government. Saying all that, the main challenge what we found, that down the line, the instructions or policies which are being made by the government of India under the leadership of Honorable Prime Minister and its cabinet ministers are not being followed by the concerned banks or the lending authorities whatsoever. I'm sorry to say this, we have tried many times with State Bank of India to get some privileges as per the instructions, like that
during the tender, bank guarantee is not required as a MSME, but it is not being followed by the officers. What is the response you get from them? If you simply there is MSME and all is just nothing will work, we can't give you loan without security, without collaterals. Without collateral. It is impossible. So, how? Even I have written communications with State Bank of India, which all were unanswered. I can even produce all those documents. To retain the staff in routine course, and now in the COVID pandemic situation, it is double the difficult than the initial stage. One side, you have to pay them. As per the instructions, Modiji also requested that you please don't terminate the people, pay their salaries. You can pay for 1 month, 2 months. Ultimately, you will be drained out as an entrepreneur. Our payments are stuck for more than 2 months, 3 months, including government agencies, private agencies. Now, this MSME relief, where it is? You don't get the loan. One, I have explained earlier. Two, now again I am telling you, the invoice with MSME registrations, you are not get paid in 15 days. So your payment cycle goes to 3 months, 3.5 months. And especially in the COVID, no employees, no staff. Sri Nitin Gadkariji has permitted even online approvals for the payments. You don't need physical submission of invoices and all. I appreciate. But in the ground, that's not happening. That's not happening in force. MSMEs are the backbone of the Indian economy. This sector employs over 100 million people and contribute to over 30% of the GDP. If the current crisis continues, then around 30% of the MSMEs will face closure. आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा. Maltix app पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ. हम उठाएंगे आपकी आवाज.